सुख दुख राग देश विषय में रहते, सुख दुख राग देश विषय में रहते, ये सब द्वंद पसारा, ये सब द्वंद पसारा, फकीरा जा भव सागर पारा। सहज में जग का रूप लिखाओ, सहत विवेक विचारा, ये समझाए तो है अपनाओ, मेटू द्वंद विकारा, फकीरा जा भव सागर पारा। ये है अनेक है दैत भाव है, ये है अनेक है दैत भाव है, द्वैत में द्वैत की धारा, द्वैत में द्वैत की धारा, द्वैत में खींचतान है प्यारे, द्वैत में खींच कान है प्यारे, ले द्वैत सहारा, ले द्वैत सहारा, फकीरा जा भव सागर पारा। बस आप लोग ने मुझे बुलाया, धर्मोदर हैं या और जो सज्जन हैं, मैं तो उनको जानता हूं, मैं क्यों गया था दाता के दरबार में, सिर्फ संसार से दुखी होकर, अपना जो मेरा मालिक है, जहां से मैं आया हूं उसकी तलाश के सिलसिले में गया था। तो ये 1921 में जब मैं सोने का ताज मार क्या कुछ लेके गया था, ढाई महीने में रहा, ढाई महीने में मुझे सत्संग कराते रहे और आखिर में ये आशीर्वाद दी। मैं यहां आया, 6 दिन रहा, कल चला जाऊंगा, आज भी आया करता हूं। जैसे मैंने 5 सत्संगों में कहा है कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर जाना चाहता हूं, मगर ड्यूटी करने से पहले अपनी आत्मा को पूछता हूं, क्यों है बुढ़े खासे, क्यों भवसागर से पार हो गया है। अगर तू ही पार नहीं हुआ तो दूसरों को क्या हक रखता है आशीर्वाद देने का।
जैसे मैं पार हुआ हूँ वो मैं पांच सत्संगों में बता कर देता, बताया आपको, किताबें लिखता हूँ, जब से तुम लोगों से ये सुना कि मेरा रूप तुम्हारे अंतर में मदद करता है जागते हुए, सपने में, समाधि में, और मैं नहीं होता, तब से मैं भवसागर से पार होने के लिए मजबूर हो गया। जो कुछ मेरे सामने आता है वो है क्या? जो एक ही है ना, यानी मेरे ही मन का संकल्प निकलकर मेरे सामने दाता दयाल का रूप बनाता था, या राम का बनाता था, या कृष्ण का बनाता था, तो जब से ये ज्ञान हुआ अब मैं कहाँ जाता? मेरी सूरत जहां से आई है वहां जाती है, ये कहां से गर्म पानी पिला, ये कहां से आई है? शब्द ब्रह्म नाम जो आद है सबका, शब्द ब्रह्म ही आद है, राधा स्वामी मत में भी शब्द ही आद है। तुम होम्योपैथिक दवाइयों को जानते हो, होम्योपैथिक इलाज में जिस चीज, जिस दवाई की खाने से जो बीमारी या हालत हमारे शरीर के अंदर पैदा होती है, अगर वो हुई हुई हो बीमारी, तो उसी चीज का टिंचर या पोटेंसी हम दे देते हैं तो बीमार राजी हो जाए। ठीक है या गलत है? इस सृष्टि की रचना प्रकाश और शब्द से होती है। अगर क्योंकि प्रकाश ही रचना करता है, शब्द ही रचना करता है, तो जब तक कोई आदमी अपने अंतर में जिस ताकत की वजह से ये सारी रचना होती है, अगर उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा, तो ये जो रचना के दुख सुख हैं, इनसे आदमी बरी नहीं हो सकता। समझ गए हो? प्रकाश ही रचना करता है। इस वास्ते हिंदुओं ने पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म के नाम रखे हुए हैं कि अपने अंतर सावित्री यानी पार ब्रह्म और शब्द ब्रह्म को प्रकट करो, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सारा चक्कर चलता है। तो मुझको ये ज्ञान नहीं होता, मैं तो दाता दयाल के देह के साथ बुरी तरह से चमटा हुआ था,
उन्हीं को सब कुछ समझता था, वही मेरा राम था, वही मेरा ईश्वर था, वही मेरा ब्रह्म था, वही मेरा भगवान था। दाता दयाल ने बड़ी दया करके मुझको मेरे भरम से निकालने के लिए ये गुरु पदवी दी। अब जब से ये ज्ञान हो गया कि मैं किसी के अंतर नहीं जाता, तो मैं तो निकला था उस बालक को मिलने के लिए, तो मुझे यकीन हो गया जो कुछ रूप रंग शक्लें मेरे अंतर प्रगट होती थी वो कुछ नहीं था, द्वैत था। और इस द्वैत में खेचातान है, आनंद भी है, खुशी भी है, दुख भी है और सुख भी है। तो दाता फरमाते हैं फकीर पाव के सागर से पड़े जा। पाव का सागर क्या हुआ? हमारे मन के अंतर से जितने संकल्प ख्याल विचार भाव शक्लें बातें उठती रहती हैं यही भाव का सागर है और कोई भाव का सागर नहीं। हम अपने मन के चक्कर में आए हैं। ये दमोदर है तुम जो चाहते हो, जो आशीर्वाद दाता दयाल ने मुझको दी थी वही आशीर्वाद सगुनों तुमको देता। जिस तरीके से मैं निकला हूं वो तरीका तुमको बता दिया, मगर तुम भवसागर से निकलने के लिए मेरे पास नहीं आए। तुम तो भवसागर में तरने के लिए आए कि तुमको संसार का सुख मिल जाए, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, तुम्हारे पुत्र हो जाए, तुम्हारा मुकदमा जीत जाए। उसके लिए मैंने तुमको बोल दिया। तुम्हारा विश्वास है चाहे गुरु पर रख लो चाहे राम पर रख लो चाहे कृष्ण पर रख लो चाहे मोहम्मद पर रख लो चाहे हनुमान पर रख लो चाहे दुर्गा पर रख लो, जैसे तुम्हारे संस्कार का द्वैत भाव है उसके मुताबिक तुम्हारी दुनिया का जीवन अच्छा भी गुजर जाएगा और बुरा भी गुजर जाएगा। पिछले 5 सत्संगों में मैंने बहुत कुछ कह दिया। आज दमोदरिया को, सेवारामिया को, व्यासियों को अपना फर्ज पूरा करता हुआ सत्य ज्ञान दिए जाता हूं कि अगर भव सागर से पार जाना चाहते हो तो जब तक बाबा फकीर की शक्ल तुम्हारे सामने रहेगी और बाबे फकीर को तुम अपने मानसिक अवस्था से पूछते रहोगे तुम भव के सागर से नहीं निकल सकते। ये 16 आने सच्ची बात है।
कोई महात्मा, कोई मजहब, कोई पंथ ऐसी सच्चाई ज्ञान नहीं। सब तुमको अपने ही जाल में फंसाना चाहते, बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि तुमको सत्संग करा कर तुमको भवसागर से निकलने का रास्ता बता दे। और ये रास्ता है नामदान। तुम्हारे अंदर पार ब्रह्म शब्द ब्रह्म रोशनी है और शब्द उसको पकड़ो। जब तक तुमको वो नहीं आएगा तुम भव सागर से पार नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हारा भव सागर अच्छा हो सकता है। कितने आदमी हैं जो भव सागर से निकलने के लिए मेरे पीछे फिरते हैं। मगर मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि तुम लोगों ने मुझको बुलाया है। अगर मैं अपना फर्ज पूरा नहीं करता और तुम लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता हूं, जैसा मैं सत्संगों में कहता आया हूं, मैं अपने आप को मुजरम समझता हूं, धोखेबाज समझता हूं। वो मैं जानता हूं कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं तुम उसके अधिकारी नहीं। तो ही दाता कहते हैं फकीरा पढ़ो, फकीरा जा भव सागर पारा, फकीरा जा भव सागर पारा, जग है दवेरा जग दुछे थाई, जग दुई ब्योहारा, सुख दुख राग देश विषय अमरत, ये सब द्वंद पसारा, फकीरा जा भव सागर पारा। दुख सुख ये द्वंद है तुम्हारा, दो पना, इसमें तो कोई भी सुखी नहीं। सहज में जग का रूप लखाऊं, सहत विवेक बेचारा, ये समझाए तो हे अपनाऊं, मैं तू द्वंद बेचारा, फकीरा जा भव सागर पारा। कहते हैं फकीर तुमको आसान रास्ते से दुनिया का रूप बता देता हूँ, वो कितना अच्छा तरीका अख्तियार किया, मुझे मान का मान मिला, इज्जत की इज्जत मिली, यश का यश मिला, और ये गुरु पदवी देकर जगत का रूप मेरी समझ में आ गया कि जगत है क्या। तुम्हारा अपने ही मन की कल्पनाओं का नाम पर सागर है और तुम्हारा वही जगत। बत में खींचतान है प्यारे, ले दैत सहारा, ले दैत सहारा, सत्संगत जब किया गुरु का, मिला ज्ञान मत सारा, फकीरा
जब सागर पारा। तो कहते हैं दो पेन में खींचा तान है, हर वक्त कसम करते है गुरु का सत्संग तुमने किया तुम्हारा भरम न किया। आगे लेख जगत का रूप अनोखा, लख लख किया प्रतिहारा, लख लख किया प्रतिहारा, फकीरा जब सागर पारा। तो जिन्होंने मुझको परमार्थक दृष्टि से बुलाया है, जमो दुनिया सेवा राम या व्यास, ये व्यास के जो दो भाई हैं इनको कहता हूं कि तुमने जो मुझे बुलाया, मैंने अपनी फर्ज 500 संगों में जरूरत से ज्यादा पूरा किया। तुम्हारी खोपड़ी में ना बैठे तो मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं। गोरे से प्रेम बढ़ाया तूने, गुरु चेला व्यवहारा, गोरे चेला मिल एक भय, जब एक का मिला सहारा। कहते तुमने गुरु से प्रेम बढ़ाया है, ये व्यवहार है। जिस तरह मैं आया आप लोगों ने मुझसे प्रेम किया, वो कहते हैं तुमने गुरु से प्रेम बढ़ाया, मैंने ये व्यवहार है। असली गुरु है शब्द ब्रह्म, उसके चरण हैं पार ब्रह्म प्रकाश। जब तक किसी की सूरत पार ब्रह्म प्रकाश और शब्द ब्रह्म में नहीं जाती, गरुड़ पुराण के कहने के मुताबिक उसका ये जो आवागमन का चक्कर है ये खत्म नहीं हो सकता। यही राधा स्वामी मत में हजूर मोहल्ला मुकद्दस राय सालग्राम साहब, जिन्होंने राधा स्वामी मत चलाया है, वो अपनी किताब में लिखते हैं। सतगुरु कौन? सतगुरु केवल शब्द स्वरूपी राधा स्वामी लाल, उनके चरण पर पाप। बाहर के गुरु की ये ड्यूटी है कि वो जीव को सत्संग करा के उसकी सुरत को इस शब्द ब्रह्म और पार ब्रह्म के साथ मेल करा दे। बस इतने ही बाहर के गुरु की ड्यूटी है। ये राधा स्वामी मत की तालीम है। अगर इसमें और सनातन धर्म में क्या फर्क है? कुछ नहीं, वर्णन शैली में फर्क है। सच्चाई का ना तो सनातनियों को पता है और ना ही राधा स्वामियों को पता है। ये भी गुरु पशु बने हुए हैं, गुरु पशु, क्रिया पशु, वेद पशु, नर पशु, संसार। मानुष ताहे जानिए जामे विवेक विचार। तो कहते हैं गुरु से तूने प्यार किया, मैंने बड़ा प्यार किया। वो कहते हैं ये व्यवहार है। बड़ो कड़ी गुरु गुरु से प्रेम बढ़ाया तूने, गुरु चेला व्यवहारा, गुरु चेला मिले एक भये, जब एक का मिला सहारा। वो एक है शब्द ब्रह्म या पार ब्रह्म, वहां एक होता। आगे मिला एक
एक ये नियम है भाई, जिससे द्वंद विसारा, ये है यम यम और नहीं कुछ, नियम में चित को धारा। सत्य का ग्रहण नियम है सांचा, ये सत्य छुटकारा, समझ जुआरी पुराव वेका, सुख से आसन मारा। यम और नियम क्या है? गलत विचारों को निकाल देना, एक उस शब्द ब्रह्म का या पार ब्रह्म का सहारा लेना, ये नियम है। और बाकी को सबको छोड़ देना, ये नियम है। इसके सिवा यम और नियम बाकी कोई चीज नहीं। आगे आसन मार विचार की दृढ़ता, प्राणायाम तत्सारा, इस विचार मेरे चक पूरक कुंभक का व्योहारा। अपने अंतर शब्द गुरु पार प्रकाश गुरु के साथ रख कर, जब वहाँ सूरज तुम्हारी फैल जाती है, वो कुंभक हो गया। विचार को ले जाना, विचार के साथ त्याग देना, ये रोचक रेचक और पुरुष हो गया। चित्त की वृत्ति निरोध को पाकर प्रत्याहार संभारा, करे अभ्यास मगन मन माना, सत को चित से धारा। वृत्ति को इकट्ठी करके मगन हो गया आदमी। कब मगन हुआ? मन को छोड़ के प्रकाश पर शब्द में चला गया। आगे यही धारणा धारण करना, ध्यान का भयायो भारा, ध्यान घना जब हुआ फकीरा, तब समाधि विस्तारा। जब वृत्ति इस तरह से चल जाती है तो वहाँ सहज समाधि लग जाती है। समता जागी ममता भागी, चमक ज्ञान का तारा, निर्विकल्प स्वकल्प समाधि, समझने मन को मारा। निर्विकल्प और स्वकल्प का ज्ञान हो गया, जैसे मैं कहता हूँ, फिर क्या हो गया? जब ज्ञान हो गया फिर मन छाले नहीं मारता। अब मेरा मन कैसे चाले मारेगा? जब तुम लोगों से यकीन हो गया तो मैं तुम्हारे अंतर नहीं जाता। तो मेरे अंतर जो कुछ भी संकल्प उठते हैं, वो तो मेरे यकीन हो गया ना कि वो है नहीं पाते हैं, अपने आप ही मर मर गए। मन जब मरेगा ज्ञान से मरेगा। अभ्यास करने से मन तुम्हारा बलवान होगा। अभ्यास करने से तुम्हारा मन मर नहीं सकता, इसमें हृदय सिद्धि शक्ति बलवान हो जाएगा। और अगर तुम्हारे गलत ख्याल हैं तो ये बलवान हुआ हुआ तुम्हारा नुकसान भी कर सकता। गुस्से में आकर किसी को बदवा दे दोगे, नहीं तो नहीं आती। कोई सिद्धि शक्ति हो गई तो अहंकार में आ जाओगे कि हमने हमारे प्रसाद से ये हो गया, नहीं समझ में आती है। तो जब ये ज्ञान अहंकार आ जाता है तो जो कुछ किया हुआ होता है सब का सब निष्फल चला जाता है। आगे सांग योग है गुरु का सांचा सहज कारा, सुरत शब्द जोग के साधन मिटा भर में अंधियारा, छुटी समाधि भयायु थाना, हेरे पर पंच परिवारा,
साधन साध संत मत समझा सहज समाधि संवारा। ऐसा अभ्यास करने के बाद फिर भी मन जब उत्थान होता है तो फिर वो प्रपंच में फंसता है, समझते हो ना। विश्वामित्र जैसे फंस गए, मेनका ने लूट लिया, श्रृंगी ऋषि जैसे फंस गए, नहीं समझ में आती है, उसको भी लूट लिया। बड़े बड़े अभ्यासी मैं देखता हूँ, अभ्यासी ऐसे गिरते हैं कि उनको पता नहीं लगता। तो जब तक विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, जब तक वो गिरने से बच नहीं सकता। आगे सहज समाधि सहज चित्त विरति सहज योग चित्त धारा सहज में सहज सहज चित्त डोले जीवन मुक्त उधारा। कल भी मैंने कहा था तुझे गति और जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है? जब ये ज्ञान हो जाता है कि ये द्वंद है, जो ख्यालात उठते हैं उनको वो सत नहीं मानता, फंसता नहीं, इस अवस्था का नाम जीवन मुक्ति है। और जब ऊपर चला जाता है इनका एहसास ही भूल जाता है, जैसे कल मैंने कहा था वजह मुक्ति क्या है, उसका नाम वजह मुक्ति है। यही मंजिल मकसूद हिंदुओं की है, यही जैनियों की है, यही शक्ति है। आगे सहस कमल दल ज्योति का दर्शन त्रिकुटी ध्वनि ओंकारा सुन महा सुन हंसन लीला सोहंग भवर फुहारा। सहस कमल में अनेक वाद है, त्रिकुटि में तीन वाद है, सुन में द्वैत वाद है, महाशून में अद्वैत वाद। समझते हो? ये मुश्किल नहीं है अगर किसी को गुरु मिल जाए तो। ऊंचे चर सत पद में बासा रूप रंग सज डारा पलखे अगम की सुंदरताई राधा स्वामी धाम से धारा। राधा स्वामी धाम क्या है? हमारी वो अवस्था सूरत की जो अंतर में रहती हुई शब्द को सुनती हुई शब्द की साक्षी है, प्रकाश को देख उसका अपने आप में ठहर जाना ही राधा स्वामी धाम है, वही निज स्थान है। हम वहां से इस दुनिया में आए हैं रचना के सिलसिले में, नहीं समझ में आती है। गुरु मिल गए जिसने अपने घर का पता दे दिया। अब जब तक शरीर है, जो प्रारब्ध कर्म है वो हर एक को भोगने पड़ते हैं। आगे जीत भी व्यवहार पर मारत नहीं मीठा नहीं खारा नहीं कड़वा नहीं तीखा लागे कोमल नहीं करारा। जैसे कल मैंने अपनी अवस्था बताई थी ना, ये वृत्ति जो अपनी है सूर्य की ऐसी अवस्था में चली जाती है, न उसे शक्ति मालूम होती है न उसे नहीं, वो एक अवस्था छा जाती है। कल मैंने सत्संग में ध्यान किया था। आगे ये है गति जीवन मुक्ति ये सिद्धांत अपारा मैंने ये सब तुझे सजाया मेरा सकल बेकारा। इसकी समझ नहीं आती, इसको समझ देने के लिए मुझे ये गुरु पदवी मिली, क्योंकि मेरा उनकी रहना। अब हाया करने से क्या बन जाएगा? आज कोठे पर एक आदमी आया, बाबा जी
मैं आज स्वस्थ रहता हूँ। मैंने कहा मुझे आज बुखार रहा, पेट में दर्द है, मैं आप अस्वस्थ हूँ, तुझे क्या करूँ। ये जीव अज्ञानी है, मूर्ख है, ये समझते हैं किसी गुरु ने फूंक मार के तुम्हारे स्वस्थ को ठीक कर देना। माया ग्रस्त होती, कर्म जो जो किए हैं अंत में भोगना पड़ना। कल भी मैंने आपको बिचरा कुछ कर्मों की विरासी को बताया, युधिष्ठिर का हाल बताया, अर्जुन का हाल बताया, फिर उसका भीष्म पितामह का हाल बताया, कि जो कुछ तुमको मिलता है जो तुमने किए हुए हैं उनका फर्क होते हैं। तो संसार में रहते हुए अगर बचना चाहते हो तो भाई अपने कर्मों को ठीक करो, जो पिछले किए हुए हैं उनका तो फल मिलेगा ही। हाँ, अगर तुमको ये ज्ञान हो गया है तो फिर सूर्य का कांटा हो जाएगा, तुम्हें तो हर है नहीं करोगी। आगे राधा स्वामी दीन दयाल संत रूप अवतारा, पाल के राम गुरु की दया भया सहज सितारा। कहते हैं गुरु की दया से सहज सितारा होगी। किस बात से? वो जो मेरा मन भटकता फिरता था, मेरा मालिक कहाँ है, इस माया के चक्कर में जो मैंने अपना जीवन गुजारा उससे छुटकारा मिल गया। आगे जब लग पड़ा रब दहाई भोग काट दे सारा, भोगे पड़ा रब तब कुछ नहीं आगे अगम अपारा। आगे अगम अपारा तो होगा, सुरख शब्द में चली गई, संसार का सब कुछ खत्म हो गया। नहीं समझ में आती है, हमारा आप शब्द ब्रह्म था उसमें समाग्री, वही अगम है, ज्ञान का रूप है। आगे कट गई काल कर्म की फांसी, जन्म जुआ नहीं हारा, राधा स्वामी की बलिहारी रहे फकीर सुखारा। ये आशीर्वाद थी वैदमोदिया, या तुम लोग जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। तुम्हारी बुद्धि को साफ करने के लिए करो जब गया गिरती हुई तेरा क्या है, जीव की बुद्धि को निश्चय आत्मक बना देना ही गुरु की दया है। तुम कुछ और दया समझते हो, ये गुरुओं का पखंड का जाल है। मैं पखंड के जाल से बचना चाहता हूं। तो गुरु की दया क्या है, तुम्हारी बुद्धि को निश्चय आत्मक बना देता है, सत्संग में बैठाकर। जब तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मक हो जाएगी फिर तुमको जो कश्मकश है जिंदगी की ये खत्म हो जाएगी। वैद्य मोदियां सेवारामियां और जो सज्जन मुझको गुरु मानते हैं जिन्होंने मुझे बुलाया है, मैं अपनी आत्मा से सुरखरू हूं। मैंने आप लोगों के साथ कोई हेरा फेरी नहीं की, फ्रेड नहीं किया, धोखा नहीं किया। पीछे से बाहरे गुरु का एहसान रह जाता है जिसकी दया से इंसान की बुद्धि निष्क्रियात्मक होती है और शांति मिलती है। कामी करे, क्रोधी करे, पापी तरे अनंत, आन उपासक कीर्त घन तरे नाम रतन।
जो शख्स गुरु को है समझ के उसकी पूजा करता उसको बोलते हैं आन उपासित। लाख वो नाम जपता रहे वो तर नहीं सकता। वो कहते हैं कामी तर सकता है, क्रोधी तर सकता है, मोही तर सकता है, जो मगर जो आन उपासित है वो नहीं। क्यों? आन उपासित में द्वेष रहता है। नहीं तो नहीं आती पीछे से गुरु का एहसान रहेगा जिस तरह से मान तुमको पाला। जब छोटे से साथी से लगाती थी तो मुझके पीछे दौड़ते थे, अब तुम बड़े हो गए, अब वही छाती जिसको नंगा करके वो तुम्हारे मुंह में देती थी, अब तुम जवान हो गए, क्या माँ तुम्हारी छाती नंगी करती है तुम्हारे सामने लड़कों के सामने? नहीं करती। मगर जब तक बच्चा है और माँ है वो उसका एहसान मानता है। ऐसे ही बाहर के गुरु से जिसने इंसान को शांति मिली है उसका एहसान मानना पड़ता है। कबीर कहता है जो ऐसा एहसान नहीं मानते खाए दुनिया में खाए परमार्थ में वो कर नहीं सकते। वो किर्त घन है, बेशुक्रे हैं, अनग्रेटफुल। तो गुरु क्या करता है? पर गुरु की दया क्या होती है? जब दया गुर की हुई चरणों की भक्ति मिल गई, जब दया गुर की हुई चरणों की भक्ति मिल गई, सबने वाले का मिट गई निश्चय की मिल गई। गुरु के चरण है प्रकाश। दो शब्द यात्री का साधन करता है, बिछड़ते तो मंत्र को नहीं डरता, अपने अंदर प्रकाश कर लेता है, उसमें सिद्धि शक्ति आ जाती है, उसके मन में बल आ जाता है। तो गुरु के चरण प्रकाश हैं। इन पैरों को धो धोकर पीने से जो तुम्हारा काम नहीं बनेगा, इसमें तो मैल लगी हुई होती है। कई ऐसे बेवकूफ हैं और इन पैरों को धो धोकर मिट्टी वाले गंदे जूते पानी पीते रहते हैं। उन बेवकूफों को ये पता नहीं कि हाइड्रोजन के बदलाव में बीमार हो जाओगे। गुरु के चरण अंतर में प्रकाश हैं। बाहर के गुरु की यही ड्यूटी है कि तन करा के तुम्हारी बुद्धि को निश्चय आत्मक करा दे, और जब तुम फिर अपने अंतर सावित्री या शब्द का साधन करोगे तुम सिद्धि सिद्धि शक्ति सब कुछ आ जाएगी। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया, दूर में ती जाती रही जब गुरे के मत का हो गया। गुरमति कहते हैं बेसम जी को गलत ख्याला को अज्ञान जाता रहता है, नहीं सुननी आती है, और उसको सच्ची समझ की अच्छी बुद्धि मिल जाती है। प्रेम का प्याला पिया पीते ही मत वाला बना, मन की शुद्ध बुद्ध खो गई बना। तो मन को कभी खोए गए जब तुम अंदर प्रकाश न जाओगे फिर तुम में भोलापन आ जाएगा। आगे प
पाँव में मस्तक नवा चित से धारा गोर करन कीते जैसे को पहले थे कहते सब अब कहते हैं भेरन। वो जो सूरत थी जो अपने घर जाना चाहती थी सत्संग करके जब प्रकाश और शब्द को पकड़ने लगी वही हो गई जो पहले थी। तू प्रिंगी प्रिंगी एक जानवर होता है जो चूहे को अपनी खोपड़ी मिट्टी के घर में दाखिल कर देता है तो ऊपर घूमता रहता है तो वो बदल के खुद प्रिंगी हो जाती है। ऐसे ही जो आदमी इस तरह से सत्संग करके अपने अंदर साधन करते हैं वो खुद ब्रह्ममय हो जाते हैं, वो खुद जीवन मुक्त हो जाते हैं। आगे आप में आप रखा आप में आप ज्ञान था भरम से भटका हुआ भूला था यारे था। मैं भूला हुआ ही था कितना मैंने चक्कर काटा बखेरे पापर मैंने बल वो क्या था मेरा अज्ञान था गाता जाल में जरा सी मेरे अज्ञान को मचाने के लिए मुझसे शोर फैलाया शब्द में लिखते हैं खेल खिलाऊं सुगम से हो जा सुलभ शब्द मत जाऊं काल हंडोले सेतू बातें विधि चित्र बच जाऊं कर सत्संग विवेक से गुरुबा गुरु दयाल हितकारी साधु बनकर सागरे युवती जा झूले के पारी नर शरीर सुर्ख दुर्लभ पाया सत्संगत में आया तेरा काज हुआ है पूरा सोच समझ तज माया। ये माया कभी नहीं जाती इस माया का रूप नहीं पता लगता किस का रूप बताने के लिए ये गुरु कभी नहीं खेल खिलाऊं सुगम सहेला तिरक शब्द मत जाऊं काल हंडोले से तुम बातें विधि विचित्र बच जाऊं अब के कीते मौज न ऐसी त्याग काल की आशा आज का साधन आज ही कर ले कल को धोब उदासा राधा स्वामी दया के सागर तेरे कारण आए तीस चरण में उनके छुपाकर अपना कार्य बनाए। तो क्योंकि जिस ज्ञान से जिस समय से मैं पवसागर से पार हुआ या पवसागर से पार होने का रास्ता मिला वह दमोदरियां जिन आदमी ने मुझे बताया बुलाया उनको मैं बहुत कुछ कह चला और भी कुछ कहता मगर आज शीर जरा अस्वस्थ है बुखार भी साफ कहते हैं गर्मी की अब मैं छुट्टी चाहता हूँ सच्चे दिल से चाहता हूँ जैन वासी हो तुम्हारा भला हो जीजो नहाओ पुत्रों फलो तुमको खाने को रोटी मिले पहनने को कपड़ा मिले रहने को मकान मिले मन को शांति मिले रह गया ये परमार्थ ये तो नानक को कोटन में को नारायण गिनती ये तो कोई कोई आदमी होता है जिसको अपने घर जाने की जरूरत होती है। दुनिया तो अपने स्वार्थ इसके लिए काम करती है सबको राजा चाहिए और मुझे भी कहते हैं 5-7 मिनट और कैद खाने में सब आदमी प्रसाद लेके जाओ।
अपनी की जगह पर बैठे रहो, पांच सात आदमियों में पर्व की निकल देखो।